यमुनानगर के सरोजनी कॉलोनी निवासी एक व्यापारी के लड़के का छछरौली में अपहरण का मामला सामने आया है। यमुनानगर में एक ऐसे गैंग सक्रिय हो गया है जो व्हाट्सएप पर लड़कों को अपने जाल में फंसाता है, और जब लड़का पूरी तरह से जाल में फंस जाता है तो उसे बंधक बनाकर पैसे तक ऐंठे जाते हैं। लेकिन एक युवक इस गैंग के जाल में तो फंस गया, लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर तब तक पीटा गया जब तक युवक ने अपने परिजनों से बात नहीं कराई। दरअसल बदमाशों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की और परिजनों का नंबर लेने के बाद 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, जिसे सुनते ही व्यापारी परिवार सकते में आ गया और उन्होंने आनन फानन में पुलिस के सामने सारी घटना बयां कर दी। और सूचना पाते ही छछरौली पुलिस ने इस पूरे मामले में जाँच की और जहाँ से फिरौती की कॉल आई थी उसी जगह की तलाश कर बंधक बने युवक को पुलिस ने छुड़वा लिया, लेकिन अंधेरा होने के कारण बदमाश वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने लड़के का मेडिकल करवाने के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज तो कर लिया है। वहीं पुलिस का दावा है कि आरोपी बदमाशों को भी बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीयूष और मनीष दोनों मामा पुती के हैं। ये उसके बुआ का लड़का है। तो पहले कोई लड़का पूजा नाम की लड़की का जो मेंशन हुआ है, जैसे हमारे को कंप्लेन ने बताया है कि उसने फ़ोन किया मनीष को कि भाई आप छछरौली बस स्टैंड तक इतना उसको आ जाए। तो छछरौली बस स्टैंड से उसको उसका गांव कोट 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 गांव का उसने किया कि भाई कोट गांव में उसको ड्रॉप कर। कोट जैसे ही वो पहुँचे तो पहले से ही 5-7 लड़के प्री प्लान्ड थे, उन्होंने उसको जैसे ओवरकम कर लिया, लड़के को कमरे में बंद कर लिया। बाद में उससे जो है ब्लैकमेल करने की नीयत से उसके कपड़े उतरवाए, जैसा कि कंप्लेनेंट ने वर्जिया ने कहा। फिर मेरे पास एक कॉल आई थी लड़की की, तो मेरे को उसके बाद उन्होंने कमरे में बंद करके बहुत मारा और मेरे घर वालों से पैसे की फिरौती मांगी बस। और मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँचा वापस, मेरे घर वाले आए, क्या हुआ? बेटा हमारे कब्जे में है और आप अपने बेटे को अगर लेना चाहते हो तो मतलब कि 10 लाख रुपए लेके आ जाओ, नहीं तो हम बेटे को तुम्हारे जान से मार देंगे। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।